हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आई होप मेरी वॉइस आप सभी तक आ रही होगी अच्छे तरीके से। सभी लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो फास्ट। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, फिर हम लोग अभी फटाफट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक तुम सभी लोगों के लिए आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है, क्वेश्चन बैंक तुम सभी लोगों के लिए आ चुका है। फटाफट सभी लोग गाइस ज्वाइन हो जाओ। ओके, मैं सभी लोगों का वेट कर रहा हूँ। कैसे क्या करना है सब कुछ बता देता हूँ। मैं अभी लेक्चर में था इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ओके, फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको बताता हूँ। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से आ जाओ और देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। सो यस, सारी चीज़ें क्वेश्चन बैंक की सारी डिटेल्स वगैरह सब तुमको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलनी बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी सभी के सभी बच्चे इस लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यस, फाइन फाइन, जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है और क्या क्या है आखिर उसके बारे में, सब कुछ आपको अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मालूम पड़ने वाली है। ओके, चलो फटाफट सभी लोग आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी। यस, आई एम वेटिंग। ओके, तो आ जाएंगे सभी लोग, फिर स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ। और क्वेश्चन बैंक यार सभी के सभी आ चुके हैं, मतलब तुम लोग को पता है कैसे डाउनलोड करना है ना, सारे क्वेश्चन बैंक तुमको बता दूंगा, तुम लोगों को कहाँ से मिलेंगे ये सब भी मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, सब कुछ तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलो चलो चलो, यस फाइन। सो आई होप अभी सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ओके, यस, चलो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ जल्दी से प्लीज। ओके फाइन, आई होप अभी, ओके ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, एक मिनट ना, मैं सब कुछ थोड़ी क्लियरिटी अपनी बढ़ा लेना, 720 पे अपनी वीडियो को कर लेना तुम्हारे एरिया में, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ कहाँ से क्या करने वाले हो। क्वेश्चन बैंक तो यार धमाकेदार है यार, मैंने तुमको पहले ही कहा था सभी लोगों को कि जो क्वेश्चन बैंक रहने वाले हैं वो एकदम धमाका देंगे, एकदम तुम लोग को पूरा धमाका मिलने वाला है यार। सभी लोग में शेयर कर दो इस वीडियो को पहले, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्लीज यार सभी लोगों में शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से फटाक से, जिससे कि थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और सभी लोग देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग का फायदा होगा, बिकॉज ऐसे में कुछ लोगों तक ही सिर्फ अपडेट जाती है तो फिर इश्यू हो जाता है। सभी लोगों में एकदम फटाफट सेंड कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, सभी लोग में एकदम फटाफट भेज दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अभी की क्लास को जल्दी से। यस हाँ, फटाफट चलो। तो गाइज ये है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक और ये सब आप सब हो और ये हमारी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की नॉलेज बढ़ रही है। ओके, तो क्वेश्चन बैंक का नॉलेज फटाफट ले लो यहाँ पे। तो ये है हमारे क्वेश्चन बैंक और ये है हमारे एनआई का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ और ये हमारे क्वेश्चन बैंक की नॉलेज बढ़ रही है, तो लेते जाओ। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अब मैं सब बताऊंगा कैसे क्या क्या है। ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे सारी चीज़ें भाई बायोलॉजी को भी सबसे टॉप में लेके आते हैं, और फिजिक्स का भी यहाँ पे है, कॉमर्स साइंस मैथ सभी का आ चुका है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही मज़ेदार है यार, मतलब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश का है। ठीक है, चलो तो ये गाइज ना जितने भी, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को डाउनलोड कहाँ से करना है, नहीं तो उससे पहले मैं चलो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस आप लोग को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या है, कितने परसेंट कितना आएगा, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को किस तरीके से पढ़ना है। यार कसम से कहता हूं, जिंदगी में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि क्वेश्चन बैंक दिया गया है और देने के बाद भी देखो क्या कहा है यार, तुम लोग को मतलब शौक लगेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं यार मैं। तो स्टैंडर्ड 12th साइंस केमिस्ट्री, और देखो यहां क्या लिखा है भाई, मैं पहले बता दूं मला जास्त मराठी ये इतना है, पर फिर भी मैं तुम लोग को बताता हूं, फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच, मतलब इसका मतलब जानते हो क्या है, दसवीं तक मैंने भी मराठी सीखी, ऐसी कोई बात नहीं है, मला माहिती रे बाबा।
इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ तुमको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, समझ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चन तुम लोग को दिए जा रहे हैं, एंड नथिंग। दूसरा है यहां पर देखो, सदर प्रश्न संचादिल प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतीडच असे नाही याची नोंद घ्यावी। बाबा रे बाबा, ये लास्ट का जो लाइन है ना, बहुत ही खतरनाक है कि इस प्रश्न संच यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है, यहां से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ये फिक्स नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। एंड दिस इज नॉट आवर फॉल्ट यार, हमने कम से कम इतना तो, हम सभी महाराष्ट्र के पूरे टीचर्स मिलके कम से कम हमने इतना तो ट्राई किया कि क्वेश्चन बैंक मिले, गैप मिले। इसके पहले तो इतना भी नहीं दे रहे थे वो लोग, सोचो, बट इतना भी दिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो कम से कम इतना भी तो मिला। अब इसमें क्या है मैं वो आपको बताता हूं, जरा ध्यान दो अच्छे से, डरो मत यार, डरो मत, ठीक है, मैं सब बताऊंगा ना, स्मार्ट वर्क कैसे करने का। तुम्हारा भाई जिंदा है यार, ऐसे क्या टेंशन ले रहे हो? ऐसे बहुत सारे वीडियोस दूंगा जहां से तुमको स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक का क्या झोल है, सब कुछ समझाऊंगा। बस टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा, पहले ही डर जाओगे। जब तुम्हारे साथ में कुछ लोग बैठे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग इतना? चलो यहां देखो, अब देखो तुम लोग को दिखाता हूं क्वेश्चन बैंक में यहां पे क्या दिया है कि सबसे पहले ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पे कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन दिया है। देखो चैप्टर नंबर 1 से 35 क्वेश्चन दिया है। अरे यार, इससे अच्छा एक्सरसाइज ना कर ले हम लोग, पूरा क्वेश्चन उड़ा के दे दिया यार, मतलब ये थोड़ा सा अन्याय है। मैंने देखो तुम लोग को पहले भी कहा था कि क्वेश्चन बैंक में वो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देंगे। अब पूरा केमिस्ट्री में ही सिर्फ 509 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री में ही टोटल 509 क्वेश्चन दिया है, मतलब यार क्या ही कहूं। एंड दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, ये मेरी भी कहीं गलती नहीं है। अब मैं क्या करूं, तुम लोग चैट में सब गुस्सा दिखाओगे, बट यार थोड़ा सा तुम सबका अभी क्या ही कहूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिजिक्स का भी दिखाता हूं, रुको हाँ। तो टोटल क्वेश्चन 509 है, 509 क्वेश्चन है, 16 चैप्टर है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो यहां से 35 क्वेश्चन है, फिर चैप्टर नंबर 2 से यहाँ पे 34 क्वेश्चन है। इस तरीके से सभी चैप्टर से अपने अपने लेवल के सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना कि तुम लोग बेस्ट मार्क्स निकाल पाओगे कम पढ़ के भी, क्योंकि अब तो अपने को पता चल गया है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से कौन से आने वाले हैं और कितने दिया हुआ है। सोचो यार बहुत आसान है, तुमको ये ना कसम से कहता हूँ, बिलीव ऑन मी, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है यार, जब तुम ही बताओ, अगर एमसीक्यू तो पक्का क्वेश्चन बैंक से आएगा, सोचो। और यहाँ पे अगर पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू हैं, तो यार कोई भी बंदा उन सारे एमसीक्यू को करके चला जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर, तो कोई भी बंदा उन सारे वेरी शॉर्ट आंसर करके जाएगा, और जो शॉर्ट आंसर हैं ये 1 वाले, ये तो कोई भी पक्का करके चला जाएगा। ये तो बहुत कम कम क्वेश्चन है उल्टा, तो इतने तो तुम आराम से कर लोगे। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूं, बट स्टिल हमें अब पता चल चुका है कि कौन से क्वेश्चंस हैं। हालांकि भले कह दिया है कि वो वहां से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल तुम सिर्फ यही पढ़ लेना, अगर जिस बंदे को कुछ पढ़ के नहीं होता है तो। और कितना कहां से आएगा वो तो फिक्स नहीं है अभी भी, इसीलिए कहता हूं कि चैप्टर यार पढ़ते रहो, क्या पता चैप्टर के क्वेश्चन वहां पे आ जाए और फिर तुम लोग की वाट लग जाए। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, पढ़ाई में फोकस करो। और मैं बैठा हूं यहां पे यार, मैं स्ट्रेटजी वीडियोस लाऊंगा और मैं उन चीजों को बताऊंगा, कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी क्वेश्चन बैंक में से बताऊंगा, और कौन से आने के चांसेस है मैं ये भी बताऊंगा। बस तुम लोग थोड़ा टेंशन मत लो, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, चलो। अच्छा, इनके देने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, देखो बहुत बढ़िया स्टाइल से दिया है, मतलब जिसने भी छापा है क्वेश्चन बैंक तो बहुत ही अच्छा है भाई। क्वेश्चन बैंक देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और इसके सारे एमसीक्यू देखो यहाँ पे, मार्क 3 और विद ऑप्शन 5 देखो यहाँ पे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी दे रखा है, कितना प्यारा है, मतलब एमसीक्यू में तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आंसर भी दे दिया है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब यहाँ पे फिर उसका भी आंसर दे रखा है, ऑर्थोरम्बिक, समझ रहे हैं। तो और चैप्टर वाइज दिया है, मतलब ये सबसे अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज दे दिया है, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है, मतलब कि चलो तुमको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी बात कर दी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर्स भी देखो किस पेज नंबर में, सब कुछ यहाँ पे पता है। जैसे कि अगर तुमको फ्रैंकल डिफेक्ट ढूंढना है तो जाओ पेज नंबर 18 में, जितना टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ लो, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें, बट मैं एक बात कहूंगा कि यार जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं उतने ही क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो फिर ये लोग ने मतलब क्वेश्चन बैंक में ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। सच में आई एम टोटली रियली डिसअपॉइंटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब 500 क्वेश्चन यार मायने रखते हैं, मैं क्या ही कहूँ, बट स्टिल आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अब तो मतलब इससे अच्छा फिर क्वेश्चन बैंक देते ही नहीं यार।
बट हाँ एक बात मैं कहूंगा कि क्वेश्चन बैंक ही सिर्फ पढ़ के जाओ, मैं तुम सबका हमेशा भला चाहता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो को सभी लोग को भेज दो जिससे कि सबको पता चल जाए, ठीक है, सभी लोग को मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन बैंक में, कैसी कैसी चीजें हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी वेरी शॉर्ट आंसर चैप्टर नंबर वन के सिर्फ क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट आंसर में टाइप टू, ये सिर्फ चैप्टर नंबर के वन के सारे क्वेश्चन इतने, ठीक है। तो मतलब 35 क्वेश्चन एक में दे के रखा है, इतना तुम्हें समझना है, सिर्फ एक में 35 क्वेश्चन दे रखा है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर टू में, यहाँ पे देख लो इस तरीके से सारे पहले एमसीक्यू है, स्टार्टिंग में पूरे के पूरे यहाँ पे एमसीक्यू दे रखा है, फिर एमसीक्यू के आंसर भी दे रखा है, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर दे रखा है। तो मतलब यार पूरे देखो 10-10 वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है। चलो मतलब यार इस क्या ही कहूँ, इससे अच्छा बच्चे एक्सरसाइज कर लेते यार, ठीक है, इट्स ओके। बट वैसे मैं कहीं ना कहीं एक चीज देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही हैं, मैंने कराया है सारी चीजें, मुझे पता है सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही दिख रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे दिख रहा है, मैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से हैं। अगर तुमने 5-5 चैप्टर, 1-1-2 चैप्टर भी पहले भी पढ़ रखा है ना, तो उन बच्चों को अब होगा बहुत फायदा, क्योंकि पहली बात तो उनके इन क्वेश्चन से उन्हें बाहर जाना नहीं है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, सिर्फ वन सेंटेंस और एमसीक्यू बस उन्होंने बना के दिया है, उसका भी आंसर उन्होंने दे दिया है। थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचो, निगेटिव तरीके से मत सोचो। तुम लोग छुटकारा पाना चाह रहे हो कि पेपर ना हो ऐसा वैसा समथिंग, सुनो पहले, लिसन केयरफुली। डर क्यों रहे हो यार, डर के आगे जीत है, थोड़ा तो सुनो यार मेरी बातों को। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से हैं, लिसन केयरफुली, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, ये सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, समझ रहा है। और ना कुछ तो तुमने इसके पहले पढ़ रखा होगा और उसमें से ये क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, तो वन सेंटेंस और सिर्फ एमसीक्यू इन्होंने बाहर से खुद से राइट करके बना के दिया है, उसका भी आंसर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। बस तुमको जो बड़े क्वेश्चन है सिर्फ यहां से कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा, ठीक है। ऐसे देखो लॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर क्वेश्चन है, ये भी देखो यहाँ पे सब देके रखा है, ये सब देखो, देखो रॉल्ट्स लॉ है, फिर जो वेपर प्रेशर है, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखो एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पढ़ा नहीं क्या तुमने एक्सरसाइज में, पढ़ा है ना। देखो ये ऑस्मोसिस, देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगा दिया इसने, बहुत बड़ा दिमाग लगा ये क्वेश्चन में यार। एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉमा ऑस्मोसिस कॉमा ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन घुसा दिया अरे यार ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ठीक है। चलो दिस इज टोटली रॉन्ग, ये देखो ये क्वेश्चन मेरा अभी अचानक से नजर गई इस क्वेश्चन में, कैसे लिखा है यार, एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन ऑस्मोसिस, एक ही क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो मतलब सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिया, 4-5 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया चलो ठीक है कोई ना, तो कर लेना यार इसको भी कर लेना, अच्छा है। फिर चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे देके रखा है, चैप्टर नंबर 3 ऐसे सबका देके रखा है। चलो मैं थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ घूम के आता हूँ, क्या दिया है, ये तो केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री आसान है, मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, डोंट वरी, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि तुम लोग ना वो उस तरीके से फॉलो कर लोगे ना, और कौन से क्वेश्चन मुद्दे वाले हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, वो तुमको बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा डरो मत, मैं हूं। क्वेश्चन बैंक को लेकर रखो, प्रिंट करवा लो, घर पे ऑनलाइन पे मत रखना, प्रिंट करवा लो और उसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। थोड़ा सा बायोलॉजी में देखो बताता हूँ अभी, थोड़ा धैर्य रखो, एंड मैं ईच एंड एवरीथिंग तुमको सब समझा के दूंगा, डोंट वरी, सब समझा के दूंगा कैसे कितना करना है, क्रैश कोर्स भी लाऊंगा इसके ऊपर, इनके क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, बस पेशेंस रखो, डरोगे तो काम नहीं चलेगा यार, प्लीज, समझ रहे हो ना। चलो अभी बायोलॉजी में आ जाओ, वही सेम चीज यहाँ पर है, फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्नकारांच क्या लिखा है बाबा रे, सराव करून देण्यासाठीच, वही प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, मतलब दिया क्यों है, पहले बात नहीं देते तो इससे अच्छा बच्चे एक्सरसाइज पढ़ लेते बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बैंक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ना सारा का सारा देख रखा है, चैप्टर नंबर देखो, ये चैप्टर नंबर 1 है और ये पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा आंसर भी देख रखा है, ठीक है। तो एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1, देखो ये जो 1 लिखा है ना चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर के साथ साथ सारी चीजें यहाँ पे देख रखी है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक अच्छे से है, मैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी एक बता दूंगा। फिर देखो यहाँ पे आ जाओ मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में भी वही चीज सेम है कि मार्च 2021 के लिए, पहली बात तो ये, और इसमें इंपॉर्टेंट यही कि मतलब जो प्रश्न है ये बोर्ड के प्रश्न पत्रिका के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, और यहां से ही आएगा ऐसा नहीं है, इसकी नोंद घ्यावी जो लिखा है ना, इसको पढ़ लो बाबा अच्छे से, बाद में कहोगे कि क्वेश्चन बैंक में से सब आने वाला था और कुछ भी नहीं आया, तो मैं पहले कह रहा हूं कि यहां से ही, जरूरी नहीं कि मतलब यहां पे ही, यहां से ही सिर्फ आएगा, सो रियली आई डोंट नो, ठीक है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन बैंक तो कम से कम निकलवाया, एटलीस्ट यही बहुत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे कि पहला है मैथमेटिकल लॉजिक,
तो यहां से सारे के सारे देखो यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू दे के रखा है, उल्टा मैथमेटिक्स में आंसर भी नहीं दिया क्या, मैथमेटिक्स में तो आंसर भी नहीं दिया, अच्छा दिया है लास्ट में आंसर दिया है, देखो यहाँ पे आंसर दिया है ठीक है। फिर देन क्वेश्चन नंबर फोर देखो यहाँ पे, चलो अच्छा है मैथ्स में तुम एक काम करो, जिसको जिसको मैथ्स हार्ड लगता है ना, मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चन बैंक से ही करके जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स क्वेश्चन बैंक से करके जाओ, क्योंकि यार ये सीरियसली मैंने देखा है अदर स्टेट्स में भी कि ना क्वेश्चन बैंक से मैथमेटिक्स हमेशा आता है, करके जाओ करके जाओ, सिर्फ मैथ्स से, मैथ्स ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही करके जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, रियली कह रहा हूँ। चलो और ये हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश का तो जय श्री राम, चलो जय भगवान की, इंग्लिश का पेपर, अरे बाप रे ये क्या लिखा है बाबा, पैसेज विशेज लिख के रखा है, पढ़ते रहो अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ते रहो, आई एम नो आई डोंट नो अबाउट दिस ठीक है, इंग्लिश का भी दिया है। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ देखो अच्छे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, टेलीग्राम की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो और वहां पर पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया है क्वेश्चन बैंक का, तो वहां से डाउनलोड कर लो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी मराठी क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ सभी लोग के लिए कह रहा हूँ, कॉमर्स वीमर सबका, तो सभी का प्लीज जाओ, और अभी मैं लाइव में दिखा भी दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, डोंट वरी, मैं अभी लाइव में दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है, सो डोंट वरी, अभी मैं तुमको समझा दूंगा। तो बस फटाफट एक काम करना, अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में है कि कितना परसेंट आएगा क्वेश्चन बैंक से, कितने परसेंट के क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है मतलब। तो देखो मैं तुमको एक बात कहता हूं यार, कि यहां ये लाइन पढ़ लो लास्ट की, कि यहां पे सीधे लिख दिया है कि जो ये प्रश्न संच दिया है, प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक दिया है, ये बोर्ड की परीक्षा में यानी बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी, मतलब बोर्ड में आएगा ही यहां से, इन क्वेश्चन बैंक में से आएगा ही, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है प्लीज ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना ठीक है। और सिर्फ फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है एंड कुछ नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वहां मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा भी देखो यार लॉजिक लगाया करो ना यार, ये सब स्ट्रेटजी वीडियो में मैं बताऊंगा, बट स्टिल तुम लोग टेंशन ले रहे हो, फोकट का डर रहे हो, ऐसा भी तो नहीं कहा है ना इन लोग ने कि यहीं से, यहां से आएगा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहां से, ऐसा उन्होंने कहा है कि यहां से ही सिर्फ आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, बट ऐसा भी तो नहीं कहा है ना कि सिर्फ यहां से ही आएगा या फिर यहां से एक भी नहीं आएगा, ऐसा भी तो नहीं कहा है ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, मतलब यहां से भी आ सकता है और यहां से नहीं भी आ सकता है, दोनों है, तो थोड़ा दिमाग लगाने का, पॉलिटिशियंस ऐसे शब्दों को घुमाते हैं, टेंशन मत लिया करो, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे। चलो आ जाओ फटाफट दिखाता हूँ कि कैसे अभी डाउनलोड करना है चीजों को, फटाफट देखते हैं हाँ कि यहाँ पे इसको डाउनलोड कैसे करना है, जल्दी जल्दी चलो फटाफट यहाँ पे आ जाओ फटाफट, चलो सभी लोग अपने अपने क्रोम में जाओगे ठीक है, चलो सुन लो यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट, तुम लोग ना सभी लोग क्रोम में जाओगे, मैंने इस वेबसाइट की जो लिंक है प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग को गूगल में आना है इस तरीके से, और वेबसाइट में जाना है फटाफट, देखो गूगल में आना है, और मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दे रखा है मैंने, जाओ और फटाफट उस लिंक को डालो वहां पे ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है भाई वो लिंक, देखो यहाँ पे www.maa.ac.in, बहुत सुंदर वेबसाइट है यार ये यहाँ पे जाओ एंड जस्ट प्रेस इंटर, और जैसे यहाँ पे देखोगे तुम लोग को देखो दिख जाएगा, देखो यहाँ पे दिख जाएगा तुमको फटाफट, अभी तक फिजिक्स का डाला नहीं लोग ने यार, ये तो बहुत अन्याय है, फिजिक्स का कब डालेंगे ठीक है। देखो ये आपको ऐसा दिख जाएगा यहाँ पे एससीईआरटी की वेबसाइट, और यहाँ पर आप लोग जब आओगे ना देखो यहाँ पे प्रश्न पेढ़ी करके यहाँ पे समथिंग दिया हुआ है, जय हो यहाँ पे सभी का जय हो, धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक देके फंसाया है ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन बैंक है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन बैंक है मराठी के लिए, मराठी के लिए तो इतिहास भूगोल का आ चुका है, जाओ देख लो बच्चे पार्टी, और बाकी जितना भी है यहाँ पे देखो मैथ्स मैथ्स यहाँ पे सभी लोग प्लीज फोकस करो, मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश मैथ्स और हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ के लिए दे चुके हैं वो लोग, यहाँ पे बस ब्लू कलर में जो डाउनलोड लिखा हुआ है इस डाउनलोड बटन में क्लिक करना और फटफट डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है। चलो ओके फाइन, चलो नहीं देख रहा है भाई, टेंथ का भी दिखेगा डोंट वरी। देखो यार तुम सब ना यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, बट व्हाट कैन आई डू, बताओ जरा, मैंने तो पूरा सिलेबस ही पढ़ा के खत्म कर दिया, सारी चीजें मैंने तुमको दे भी दी, सो इसमें अब मेरी क्या फॉल्ट है।
और यहाँ पे जितने भी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम सबका मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से क्रोध है, गुस्सा है, बट स्टिल हमने कितनी कोशिश की। क्वेश्चन बैंक में अब 500 क्वेश्चन दे दिया है, और सिर्फ केमिस्ट्री में 500 क्वेश्चन दिया, ये तो बहुत अन्याय हुआ, बहुत ही गलत है। मैथमेटिक्स में भी पूरा क्वेश्चन, मतलब यार मैंने तो पहले भी, मुझे ये लग ही रहा था कि ये लोग ना पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उठा के डाल देंगे। सो व्हाट कैन आई डू यार, मतलब हमने पूरे टीचर्स ने मिल करके सारे काम तो किया, और उन्होंने, हमें लगा कि क्वेश्चन बैंक में ये लोग वो चीज़ें डालेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ क्वेश्चन देंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को छाप के क्वेश्चन बैंक में डाल दिया और तुम सबको प्रोवाइड कर दिया। मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको कुछ सोचना ही नहीं है, उनको अपने एंड से कुछ कमी नहीं करना है, उनको पूरा पेपर लेने का तुम लोग का, उनको अच्छे से पूरा, उनको चाहिए कि तुम पूरा पढ़ के पेपर दो, जो नहीं पढ़ रहा है वो ड्रॉप ले लो, कुछ और कर लो, ऐसा उनका मानना है। मतलब मैं यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूँ, स्टिल उन्होंने 509 क्वेश्चन डाले हैं, मतलब ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। फिर फायदा ही क्या, 509 क्वेश्चन डाला और 509 क्वेश्चन में से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सो व्हाट इज दिस यार, मीन्स चलो ठीक है, बट कोई नहीं, मैं स्ट्रेटजीज एक लाऊंगा जिसमें से तुम क्वेश्चन बैंक से किस तरीके से पढ़ सकते हो और बेस्ट मार्क्स निकालोगे पूरा एनालिसिस करके, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, वही वही क्वेश्चन करके जाना, देखना मतलब धूम मचा दोगे, कुछ ना करने से अच्छा वही करना, ठीक है। इट्स ओके यार, व्हाट कैन आई डू, मैंने तो सारी चीज़ें तुम्हें दी और सब कुछ, मैंने अपने एंड से पूरा दिल से दिलो जान लगा दिया मैंने इस साल पूरा तुम सबके लिए, ठीक है। कितना मतलब मैंने दिन 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 में 3-3 घंटे इसकी वीडियोज़ हर दिन प्रोवाइड करना, नोट्स बनाना, फुल हार्डवर्क, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की, जिनकी पढ़ाई किसी कारणों से नहीं हो पाई उनके लिए क्वेश्चन बैंक भी दिया तो कैसे दिया, ये तो ये लोग ये भी नहीं देने वाले थे। कम से कम हम लोग ने सारी चीज़ें इतनी मेहनत की तो जाके क्वेश्चन बैंक निकाला इन्होंने, 1000 मीटिंग रखने के बाद एक क्वेश्चन बैंक निकाला, और डाला भी तो क्या डाला, एक्सरसाइज डाल दिया। मैथ्स में जाके देखो तो ऐसा लग रहा है कि 700 क्वेश्चन 800 क्वेश्चन भर दिया जाके वहाँ पे। केमिस्ट्री में 509 क्वेश्चन डाला है, मजा आ गया क्या, 500 क्वेश्चन मतलब ठीक है, बच्चे और डर गए, मतलब 500 क्वेश्चन स्टिल हमें पता है कि 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन ही हुआ करते हैं, बट एक नंबर दिखा के बच्चों को डरा दिया, मतलब ऐसे होता है। तो व्हाट वी कैन डू यार, मीन समझ रहे हो, तो अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे देखो गुस्सा मत दिखाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रखी है और बस पढ़ाई में तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। इस वक्त मैं तो तुमको कब से कहते आ रहा हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दो, हम लोग तुम्हारे लिए फोकस कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कितने परसेंट क्वेश्चन में से आएगा, उन्होंने सीधा कह दिया कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और यहाँ से आएगा या नहीं आएगा परीक्षा में, यहाँ से ही आएगा इसकी नोंद घयावी, मतलब यहाँ से ही आएगा, इसका कुछ फिक्स नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक का ध्यान देना, यहाँ से तुम लोग जाओ maa.ac.in पे, इस वेबसाइट में जाना है तुम लोग को, और इसी वेबसाइट में जाकर के तुम लोग को डाउनलोड कर लेना है चीज़ों को, ठीक है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, ओके। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ओके, थोड़ा सा समझ के रखो। देखो मैं यहाँ पे तुमको वो वेबसाइट को यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ जिससे कि तुम सबको समझ जाएगा। देखो ये वेबसाइट है, इसी की सेम चीज़ की इसकी मैंने लिंक तुमको दे रखी है, इस वेबसाइट की देखो जो यहाँ पे लिखा है ना, ये www.maa.ac.in, इतना भी डालोगे ना गूगल में तो तुमको पूरा यहाँ पे खुल जाएगा, प्रश्न पेढ़ी में जाने का, प्रश्न पेढ़ी में 12th में जाओगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके डाउनलोड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो यार, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता है, और स्टिल वो यही कह देंगे कि मत दो पेपर, तब क्या करोगे, वो यही लास्ट में कह देंगे कि मत दो पेपर, जिसको नहीं देने का ड्रॉप ले लो, अगले साल दो, सब क्या करोगे फिर। तो जिसको देना है तो पढ़ना है तो पेपर देना पड़ेगा, अभी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी दे दिया, अब वो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन बैंक थोड़ी मॉडिफाई करके देंगे, इतना कर दिया यही बहुत है, बट ठीक है चलो। कोई इतना किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने 12th के लिए इतना नहीं किया है, स्टिल तुम्हारे लिए इतने साथ क्वेश्चन बैंक मिला, पहला स्टेट है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है चलो करो। देखेंगे कोरोना अगर बढ़ेगा तो कोरोना साथी है और कुछ नहीं कर सकते हो, डरो मत यार, मैं बहुत कुछ तुम्हें ला के दूंगा, बहुत कुछ स्ट्रेटजीज इन क्वेश्चंस के करने के तरीके, इनके आंसर सॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, तो टेंशन मत लो, डरोगे तो कैसे काम चलेगा, डरना बिल्कुल नहीं, ओके चलेगा, सब कुछ दूंगा, ओके। तो मैं अभी निकलता हूँ, तुम लोग के कुछ डाउट्स है तो कह दो यहाँ पर, स्टिल हम लोग तुम्हारे लिए कुछ काम कर देंगे, ठीक है। बाकी तो और हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं, सो वॉट वी कैन डू, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें होंगी भी तो, और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा भी कुछ भी तो मतलब चीज़ें मिलेंगी, देखते हैं क्या होता है, क्या मिलेगा क्या नहीं, बट यस स्टिल अब देखेंगे कि क्या होता है इन फ्यूचर, डोंट वरी, ठीक है चलो। अब बाकी का अभी फिक्स नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, बट देखेंगे क्या होता है। तो बस चीज़ों को थोड़ा समझ के रखो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एट द एंड तुम्हें वो तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक
ठीक है, इतना तो तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस वेबसाइट में जाओ, टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, वहां पे जाओ एंड चीजों को देख लो एक बार और पढ़ लो, यहां से सब कुछ डाउनलोड कर लो। यहां पे ऐसे आके बार बार रिफ्रेश करते रहोगे तो फिजिक्स का भी आ जाएगा, अभी तक इन्होंने फिजिक्स का डाला भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इतने डाल रहा है। मैथ्स का तो कॉमर्स और साइंस के लिए दोनों के लिए डाल दिया है, बट फिजिक्स का अब तक नहीं आया। पता नहीं ये लोग फिजिक्स में क्या कर रहे होंगे, फिजिक्स में पता चला 1000 क्वेश्चन दे दिया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, स्कैम 2021। इट्स ओके यार, कोई नहीं, टेंशन मत लो, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, हमें पढ़ाई करना है स्टिल, ठीक है। चलो, और मैं बहुत कुछ गाइडेंस की वीडियो लाऊंगा, इनके क्वेश्चन के कैसे करने, इनके तरीके कैसे क्या है, इनके आंसर्स कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे, सब कुछ स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बस हिम्मत रखो, मेहनत थोड़ी सी करो, और इन 2 महीने में बहुत मेहनत मैं तुम लोग के लिए करने वाला हूँ, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तुम लोगों को, बहुत फायदा हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो सो निकलूं मैं यहाँ से अभी, सभी लोग बाय बाय कहता हूँ अभी, ठीक है। मुझे भी अब निकलना है क्योंकि मेरे भी अदर लेक्चर्स चालू हैं। मैं तुम लोग के लिए क्रैश कोर्स लाऊंगा इस क्वेश्चन बैंक का, जितना भी यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन बैंक का जितना भी यहाँ पे है, इन सभी का मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, डोंट वरी। और इनके आंसर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, इनके पूरे के पूरे आंसर्स मैं तुम लोग को प्रोवाइड करके दूंगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस डरो मत यार, इतना कर दो, डरो मत। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का नहीं आया, केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ्स का आ गया, तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक दिया तो दिया यार, इससे अच्छा देता नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। चलो टेंथ वालों के लिए भी मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो टेंथ वालों के लिए ना, टेंथ वालों के लिए अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो जाओ यार टेंथ वालों के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, टेंथ अच्छा दे दिया है, ओके ओके, देखो यहाँ पे टेंथ वालों के लिए दे दिया इंग्लिश मीडियम में, टेंथ वालों के लिए सिर्फ ज्योग्राफी दिया है, इंग्लिश दिया है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दिया है, मैथमेटिक्स नहीं दिया रे बाबा, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस कल तक शायद आ जाएगा, ठीक है, तब टेंथ वाले भी कर लेना, वही वेबसाइट में जाने का, और देखो यहाँ पे न्यू लिखा है प्रश्न पेढ़ी, ये प्रश्न पेढ़ी लिखा है ना, यहाँ पे टेंथ में क्लिक करोगे तो टेंथ में जाओगे, और ट्वेल्थ में क्लिक करोगे तो ट्वेल्थ में जाओगे। ट्वेल्थ वालों का यहाँ पे फिजिक्स का नहीं दिया है, बाकी सब दे दिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, इतना आपको समझ के रखना है, बाकी सब दे दिया है, ओके। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तुम सबका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टिल वी आर ट्राइंग कि और कुछ हो जाए, थोड़ा गैप मिल जाए तुम लोगों को, कोरोना रहेगा तो पेपर भी पोस्टपोन्ड हो सकता है, पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, तो जय कोरोना, देखेंगे क्या होता है, कोरोना गो, ठीक है। चलो वैक्सीन भी आ रही, देखते हैं क्या होता है, स्टिल हम देखेंगे अभी इन फ्यूचर क्या हो रहा है, चलो कोई ना, चलो आगे बढ़ते। अगर तुम लोग को टेलीग्राम से चाहिए रहेगा ना, तो सबसे पहले ना टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना अपने प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद ही तुम लोग लिंक में क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है टेलीग्राम की, और फिर तुम लोग को वो सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, और मैं इसके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, तुम लोग के लिए स्ट्रेटजी लाऊंगा, कैसे पढ़ना सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन खाली देने का, टेंशन लेने का नहीं, बाय बाय, बाय टू ऑल।